काउंटर तो मुसलमान नाम का होता है, उन्हें पकड़ लिया जाता है, उन्हें पकड़ लिया जाता है, डर लिया जाता है और जैसे चाहे वैसे इनकाउंटर कर दिया जाता है। सरकार तो गुंडागर्दी कर रही है, सरकार नहीं कर रहे, गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडे फिर तो उतरे आएंगे, वो जब गुंडागर्दी ज्यादा होगी तो उतरे आएंगे वो तो गुंडे। अभी तो मतलब सरकार का भय भी तो होना चाहिए ना। पुलिस ने मार के जो रिवाल्वर हाथ में लिया, नहीं मरे हाथ में रिवाल्वर होता होगा कहीं, तो शरीफ आदमी थोड़े ही थे वो। एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है, कोई विश्वास नहीं किया जा सकता कि ये सच है या नकली है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता उस, क्योंकि एनकाउंटर तो और भी होने चाहिए, और भी वहाँ टैनी है और पता नहीं कितने सारे, मतलब जो देखे होंगे आपने जो असामाजिक तत्व हैं, माफिया हैं, उनके लिए खिलाफ कुछ नहीं होता। जहाँ मुसलमान नाम आया वहीं कुछ ना कुछ एनकाउंटर या कुछ हो जाता, उसको कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर एनकाउंटर ही करना है तो जानी जुनेद और नासिर का भी तो हुआ है, उन लोगों का क्यों नहीं होता एनकाउंटर? इनके आरोपी पकड़े गए हैं आज, एक ही पकड़ा गया, बाकी कहाँ फरार हैं? ना मीडिया दिखाएगी, ना सरकार बताएगी, ना पुलिस बताएगी। क्यों? क्योंकि उनमें से मुसलमान कोई है ही नहीं। इनकाउंटर तो मुसलमान नाम का होता है, उनको पकड़ लिया जाता है, उन्हें पकड़ लिया जाता है, डर लिया जाता है और जैसे चाहे वैसे इनकाउंटर कर दिया जाता है, समझौता कर लिया जाता है। कहाँ है वो लोग? वोट में लाके उनको पेश कर दिया जाता है, पुलिस से सांठगांठ होती है, उनको पहचान लिया जाता है और लाके कोर्ट में सेंडर करवा के उनको जेल भेज दिया जाता है, उनको सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता जुनेद और नासिर का इंसाफ होना चाहिए? हर व्यक्ति को इंसाफ मिलना चाहिए। फिर क्यों नहीं मिलता? उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? उन्हें मालाएं पहनाई जा रही हैं। क्यों बिल्किस बानी को जो रेप हुआ था गुजरात के अंदर, क्यों उनको माला पहनाई? इसलिए क्योंकि उनमें से कोई मुसलमान नहीं था, इसलिए उन्हें माला पहनाई गई। अगर वही रेप केस में कोई मुसलमान होता, गाड़ी पलट दी जाती और इनकाउंटर कर दिया जाता, सिर्फ इस वजह से ना, मुसलमान नाम की वजह से। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि वो तो क्राइम को रोकने के लिए, सरकार तो बहुत कुछ कह रही है लेकिन करके तो दिखाए। हम तो ये कहते हैं रमजान ईद से पहले मुसलमानों को तोहफा देकर दिखाए, जुनेद और नासिर के कातिलों का इनकाउंटर करके दिखाए, तब मानेंगे मुसलमान। क्या योगी सरकार मुसलमानों के हित में काम करती है तब हम समझेंगे। क्या योगी सरकार दोनों तरफ से काम कर रही है, उसकी नजर में कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, उसके लिए इंसाफ पहले, तब समझ में आएगी ये बात। वो तो राजस्थान का, हरियाणा का मामला है। अरे राजस्थान का हो चाहे हरियाणा का हो, बाबा का बुलडोजर तो पूरे देश में चल रहा है, कौन सी जगह नहीं चल रहा? कौन सा राजस्थान की सरकार ने तोड़ दिया, कौन सा यूपी सरकार ने तोड़ दिया, कोई एक जगह बता दो आप। क्या खाली ठेका योगी बाबा ने लिया है? राजस्थान सरकार ने नहीं लिया या दिल्ली सरकार ने नहीं लिया, किसने नहीं लिया? मिलके कार्रवाई तो सबको करनी चाहिए। कार्रवाई सिर्फ वही होती है जहां मुसलमान नाम का ठप्पा लग जाता है, बस वही कार्रवाई होती है। खास तौर से यूपी में ही हो रही है, खास तौर से मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है यूपी के अंदर, बाकी कौन सी सरकार? लगता है ऐसा लगता नहीं, हो रहा है जब लगता है आप देखो ना, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही है मुसलमानों की हो रही है, मतलब और भी तो क्राइम हो रहे हैं, और भी मतलब कम्युनिटी के लोग क्राइम कर रहे हैं, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा। क्या उत्तर प्रदेश में कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं है? योगी बाबा ने ठेका दे रखा है कि ठोकने का, कानून क्या कर रहा है? तो कानून के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। उनका कहना है कि कानून की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई थी, ये जरूरी था। वो तो जुर्म, तो जुर्म है, चाहे ये लोग करें चाहे वो लोग करें, कोई भी आदमी करे, कोई पर्सनल व्यक्ति कोई भी करेगा, जुर्म जुर्म है, कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार का काम सजा देना नहीं है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। अगर कानून व्यवस्था नहीं बनेगी तभी तो अपराधी अपराध करेंगे और उनके हौसले बुलंद होंगे। अब कानून व्यवस्था का ठेका जब सरकार ने ले रखा है, इसीलिए तो अपराधियों पर सख्त है योगी। योगी क्यों सख्त है? कानून क्यों सख्त नहीं है? कानून को सख्त होना, ये अदालतों को सख्त होना चाहिए। योगी एनकाउंटर का आदेश देने वाले कौन होते हैं? क्या अदालतें नहीं है? क्या अदालतों में केस नहीं चल रहे हैं? नहीं, अदालतों में केस चलता है। कानून व्यवस्था काम करना सरकार की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सजा देना तो कानून देगा ना सजा, तो सरकार को काम सजा देना नहीं है। उनका कहना था कि उन्होंने फायर किया तब पुलिस ने मारा। कोई सा भी आप एनकाउंटर ले लें, हर एनकाउंटर में हाथ में पिस्तौल मिलेगी, गाड़ी गिरी भी मिलेगी, दो भागे हुए मिलेंगे। आप इतिहास उठा के देख लें, ज्यादातर एनकाउंटरों में यही होता रहा। दो क्यों भगाए जाते हैं? दो भगाए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट को ये बताया जाए, पब्लिक को ये बताया जाए कि मुठभेड़ असली थी। अच्छा,
असली थी, इस वजह से वो दो भगाए जाते हैं कि चार को घेरा, दो पकड़े गए, दो भागे, दो मारे गए। नहीं, इन्होंने भी तो काम गलत किया था ना। काम गलत किया तो कानून कहाँ है? अदालत के थ्रू, अदालत के थ्रू इंसाफ क्यों नहीं मिलता है? अच्छा, आपका ये कहना है कि इनको पकड़ कर अदालत में पेश करना चाहिए? पकड़ना नहीं चाहिए था, जिस हिसाब से जिस जुर्म किया है उस जुर्म को अदालत के सामने पेश करें। अदालत भी तो पहले पकड़ देना है इनको। अदालत खौफनाक सजा दे सकती है, अदालत नहीं दे सकती क्या? लेकिन पुलिस का कहना है कि जैसे हमने उनको जिंदा पकड़ना चाहते थे, पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने फिर हम पर फायरिंग कर दी और हमने जो फिर बचाव में फायरिंग की तब मरे। हर मामले में तो यही तो होता है मेरे भाई कि हम पकड़ने गए थे, उन्होंने गोली चलाई, उनकी गोली से कोई नहीं मरा, हमारी गोली से दो मर गए। अब वो मारे गए, योगी बाबा ने पहले कह दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे। अब मिट्टी में मिलाने का मकसद ये कि हम कानून के थ्रू तो सजा दिलवाएं उनको, कानून या अदालत तक नहीं पहुंच पाता है। ये एक जाति दुश्मनी जैसा लगता है कि आपसे बदला लेने के लिए हम इस काम को कर रहे हैं। नहीं, अब तो योगी सरकार मुसलमानों को भी हक दे रही है, पसमानदा मुसलमानों को। हम इस बात को नहीं मानते कि योगी सरकार कुछ नहीं दे सकती। बार बार ये क्यों जताया जाता है कि हम मुसलमानों को साथ लेके चल रहे हैं? इसका मकसद ये है कि पहले से कहीं मुसलमानों को अलग थलग किया जाता है? नहीं, उनका ये कहना है कि हम तो लेके चल रहे हैं लेकिन मुसलमान हमको अपना नहीं मानते। मुसलमान क्यों नहीं मानते भाई? कोई भी अगर अच्छी कोई चीज़ लाती है गवर्नमेंट, उसका सपोर्ट किया जाता है। सर, इनको जो आज जो अपराध कर रहा उसका घरों पर आज ट्रेनिंग के लड़के हैं, क्या होगा? वो तो जेल में है, जेल में उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उन्हें चार किसान मार कुचल के मार दिया। अभी वो मानेसर, मोनू मानेसर आज तक फरार है, दो आदमियों को जिंदा जला के मार दिया उनने, घर से गाय के नाम पे उठा के, उसका क्या होगा? उनका एनकाउंटर कब होगा? उसमें कई लोग पकड़े गए, एक लोग पकड़ा गया बस, नौ आदमी नाम दर्ज है और एक आदमी पकड़ा गया है, नौ आदमी है फरार है, उनका कब एनकाउंटर होगा? या सिर्फ मजहब के नाम पे एनकाउंटर होते रहेंगे लोगों के? मजहब के नाम पे हो रहे हैं, और मजहब के नाम पे हुआ है, जिसको पकड़ लिया उसको जेल में दो, कोर्ट में दो, कोर्ट किस लिए? फिर कोर्ट बंद कर दो, फिर कोर्ट बंद कर दो ना, क्या कहेंगे? समझे ना, इन्होंने मार कर जब उनको हाथ में रिवाल्वर भर दिया पुलिस ने, पुलिस ने मार कर रिवाल्वर हाथ में दिया, पुलिस ने मार के जो रिवाल्वर हाथ में दिया, नहीं मरे के हाथ में रिवाल्वर होता होगा कहीं? शरीफ आदमी थोड़े थे वो, अरे बदमाश ही थे, उनके लिए वो सजा होती है जेल जाते, इनकाउंटर करने क्या जरूरत थी? ये नहीं, अपराध रोकने के लिए सख्त कदम तो उठाना चाहिए था ना। कानून कहने के लिए है, कानून भी तो है ना कोई, ये थोड़ी है तुम चाहे जिसको गोली मार दो, उसे गिरफ्तार करो, सजा करो, जेल भेजो, जैसे का बाप जेल में। हाँ, तो गवर्नमेंट कानून भी तो बैठा है, या कानून ये कह रहा है तुम और गोली मार दो उसको? आपको कैसे लगता है कि गोली मारी है आपको? क्यों सरकार कह रही है कि हमने तो कोशिश की थी कि उनको जिंदा पकड़े? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको गोली मारी है, दोनों मोटरसाइकिल के पास पड़े। अगर जिंदे आदमी गोली मार दो तो रिवाल्वर भी दूर जाना पड़ेगा, और उसके हाथ में रखा है सर मुट्ठी में। सरकार पर विश्वास नहीं है? सरकार पर विश्वास है, सरकार अपना काम करे ना, ये थोड़ी कहे इनकाउंटर करे उनका, इनकाउंटर क्यों करे? उनको पकड़ो, सजा करो, कानून कहे के लिए बैठा, जज कहे के लिए बैठे, और तो फिर तो जज वज सब खत्म कर दो। जज तो अतीक अहमद के मामले सुनते ही नहीं है। कौन सुन रहा है? इनकाउंटर भी ऐसा जरूरी नहीं है, इंसान को मौका दिया जाना चाहिए। अब आप मान लो मैं मुजरिम हूँ, आप मुझे डायरेक्ट गोली मार दोगे क्या? एक बार तो मौका देना चाहिए इंसान को। नहीं, गुड्डू क्या नाम है उसका, गुलाम पर 6 मुकदमे थे, असद पर भी पहले ही मुकदमे थे, और सरेआम जैसे उसने गोली चलाई तो गलत था ना? अरे वो तो इंसान कोई मजबूरी में ही करता है हर काम, मजबूरी के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। सरकार तो कह रही थी कि क्राइम रोकने के लिए हम सख्त कदम उठा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? सरकार तो गुंडागर्दी कर रही है। सरकार नहीं कर रहे, गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडे फिर तो उतरे आएंगे, जब गुंडागर्दी ज्यादा होगी तो उतरे आएंगे वो तो गुंडे। अभी तो मतलब सरकार का भय भी तो होना चाहिए ना गुंडों में। इनकाउंटर करा किसने है? पुलिस ने किया पहले, उन्होंने पुलिसों पर, पुलिस ने करा है ना, तो आपके हिसाब से ये सही है? अगर ये चीज सही लगता है आपके हिसाब से, तो फिर अदालतें क्यों बनी है, कोर्ट क्यों बना है? सरकार और फिर जो भी है गवर्नमेंट है, तो वो किस लिए है?
उनका कहना था कि हम तो जिंदा पकड़ना चाहते थे। तो फिर क्या हुआ, मार के उन्होंने विदेशी पिस्टल थी फायरिंग कर दी। एक मिनट के लिए अगर मान लेते हैं वो सही है एनकाउंटर, एक मिनट के लिए अगर मान लें सही है, तो फिर जो इसके अलावा जुनेद है, अखलाक है, इन लोगों का भी तो हत्या हुआ है ना, राजस्थान में हुआ, अभी बिहार में हुआ, तो फिर गोली तो इन लोगों को भी मारनी चाहिए फिर। सही बात है नहीं है, आप बताओ ना, आप भी तो कुछ बताओ। आपकी सख्ताई हर जगह होनी चाहिए, तो होनी चाहिए ना। तो जो अखलाक ने करा, अखलाक की नजीब है, ये सब इन लोगों को भी तो हत्या हुई है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ तो गोली फिर क्यों मार दी, इंसाफ तो अदालत करती है ना, फैसला तो अदालत करता है, नहीं करता है अदालतों में इंसाफ होना चाहिए। लेकिन वो कह रहे थे कि हमने तो जिंदा पकड़े थे, अदालत ले जाना चाह रहे थे, लेकिन पहले ही उन्होंने फायरिंग कर दी। ये तो सरकार की राजनीति है। अच्छा, नेताओं की राजनीति है। अब तुम मुझे ले जाना चाहोगे तो मैं कोई भाग भी नहीं आऊंगा, आप खुद ही वो इनकाउंटर कर दे, तो बाद में कह दे तो मजबूर था, भाग रहे थे तो इसलिए इनकाउंटर कर दिया।